It's believed that there's a Salman Khan connection to the Siddiqui killing. Siddiqui murdered for being close to Salman Khan is what we're getting to know right now. Sources say that the Bishnoi gang considers not only Salman Khan but also those who are close to him as their enemies. Before I bring in my colleague Arvind for more on this, let me tell you what exactly our sources are telling India Today right now. The interrogation that's on, you know, for roughly about 12 hours now since the time that the two accused have been nabbed, well, it comes across that the two members have told the Mumbai police that the perception within the Lawrence Bishnoi gang is that anyone who's close to Salman Khan will be looked at as an enemy of the gang. Arvind Oja joins me for more on this. Arvind, सूत्र अभी ये बता रहे हैं कि जो जो सलमान खान के नजदीक देखा गया है, माना जाता है, बिश्नोई गैंग उनको अपने टारगेट पे लेगा ही लेगा। बिल्कुल, देखिए, और जो इंटरोगेशन रिपोर्ट आई है एनआईए के सामने या अलग अलग एजेंसी के सामने, बकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये सभी एजेंसी के सामने माना है कि प्राइम टारगेट हिट लिस्ट में नंबर वन पर सलमान खान है। और बीते दिनों जिस तरह से अटेम्प्ट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर घर पर ही फायरिंग करवा दी थी सलमान खान के घर पर, और उसके पहले दो बार रेकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई थी जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। उसके बाद शूटर्स मुंबई पहुंचे थे और सलमान खान के न सिर्फ पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की गई, बल्कि सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहां भी शूटर्स ने बकायदा प्रॉपर रेकी की थी। और कई बार ऑन कैमरा लॉरेंस बिश्नोई ये कह भी चुका है कि वो सलमान खान को मारेगा ही मारेगा। ये कई बार फ्रंट पर ओपन कैमरे पर न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि गोल्डी बरार कह चुके हैं, और न सिर्फ कह चुके हैं बल्कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी करा चुके हैं। अब बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है और उसमें जो शूटर है वो, जैसा मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, तो मोटिव सिर्फ यही फिलहाल समझ में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को क्यों मारेगा। तो सिर्फ इसलिए मारेगा कि हो सकता है कि सलमान खान से जिस तरह की करीबी थी बाबा सिद्दीकी की, ये एक मोटिव जरूर हो सकता है। हालांकि मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अब ये मोटिव स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि बीते दिनों गिप्पी गेरवाल पंजाबी सिंगर, उन पर कनाडा में फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग ने पोस्ट डाला, उसमें क्लेम किया कि गिप्पी गेरवाल सलमान खान के बेहद करीबी है, इसलिए बिश्नोई गैंग ने फायरिंग कराई। दूसरा सिमिलर इंसिडेंट होता है, पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग होती है अभी कुछ महीने पहले, जिसका वीडियो भी रिलीज हुआ था। इंडिया टुडे ने वो अपने व्यूवर्स को दिखाया था कि किस तरीके से एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग हो रही है। उस फायरिंग के बाद भी सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग क्लेम करता है कि एपी ढिल्लन सलमान खान के एल्बम में नजर आ रहे हैं, सलमान खान को भाईजान कह रहे हैं, इस वजह से बिश्नोई गैंग ने एपी ढिल्लन को निशाने पर लिया। तो न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान है, बल्कि सलमान खान के जो बेहद करीब जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग उनको भी निशाने पर लेता है। इसमें एक एंगल और है कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जिन शूटरों ने फायरिंग की थी उसमें एक शूटर की मुंबई में पुलिस स्टेशन में संदिग्ध मौत हुई थी, उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग काफी ज्यादा गुस्से में था। तो जो क्लेम मुंबई पुलिस का है कि जो शूटर है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, ऐसे में मोटिव जो है, अभी जो एजेंसीज है उनको यही समझ में आता है आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बाबा सिद्दीकी को निशाने पर क्यों लेगा, शूटर्स भेजकर मर्डर क्यों कराएगा। तो मोटिव जो अभी तक समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि क्या मैसेजिंग देने की कोशिश सलमान खान को फिर से की गई, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई बकायदा एजेंसियों के सामने बात एक्सेप्ट कर चुका है कि प्राइम टारगेट पर सलमान खान ही है। ओके, सो सलमान खान नेम constantly popping up in the story. He was seen yesterday at the Leelavati hospital as well. I thank Arvind for sharing all those details with us.